आज की वीडियो स्पेसिफिकली होने वाली है उस बाइक के बारे में जिसको अवार्ड मिला है 2023 मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर, मतलब टैंक जैसी फीलिंग आती है इसको। और ये बाइक क्या एक अच्छा ऑप्शन है शॉर्ट राइडर्स के लिए या नहीं, तो इन सारी चीजों में बात करेंगे। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू सैंडीज आफ्टर आवर्स एंड दिस इज बैंडी। सो गाइज काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज की वीडियो के बारे में, क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर शोइंग इतना सारा सपोर्ट टू आवर चैनल। तो सीधा वीडियो पे चलते हैं। आज की वीडियो स्पेसिफिकली होने वाली है उस बाइक के बारे में जिसको अवार्ड मिला है 2023 मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर। तो ये बाइक अपने में ही मतलब एक अलग सी खास है, क्योंकि इसमें थोड़ा क्लासिक वाला फील भी है और इसमें थोड़ा रेट्रो वाला फील भी है। इस वीडियो में हम कैप्चर करेंगे उसके स्पेक्स क्या हैं, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स क्या हैं, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जितना मैंने चलाया है उसके अकॉर्डिंग मतलब कितना अच्छा हो पा रहा है, खास करके शॉर्ट हाइट राइडर्स जो हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या क्या नहीं आ रही हैं इस, और ये बाइक क्या एक अच्छा ऑप्शन है शॉर्ट राइडर्स के लिए या नहीं, तो इन सारी चीज़ों में बात करेंगे। तो चलते हैं। तो गाइस चलो यार शुरू करते हैं अपनी बाइक का रिव्यू, ठीक है। तो काफ़ी टाइम बाद यार मतलब हाँ मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था इस बाइक का तो पक्का रिव्यू करना ही करना है, थैंकफुली आज मुझे मिल गई है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, सीधा रिव्यू करते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो यार ये जो वेरियंट आपको दिख रहा है ना, ये है डैपर वाइट वेरियंट, और इसमें जो रॉयल इनफील्ड हंटर 350 है इसमें तीन वेरिएंट आपके आ जाते हैं। अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जैसा आपको पता है कि यार मेरी हाइट 5'2" है, तो जितना भी चीज़ें मैं यहाँ शेयर करूँगा इट विल बी अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस एंड शॉर्ट हाइट राइडर्स के लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। एनीवेज तो फर्स्ट इंप्रेशन की अगर बात करें, जैसे विजुअली मैं देखता हूँ तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ये कहता है कि भाई दिस बाइक I can easily handle and this bike is small, this bike is compact. तो मेरा first impression ये कहता है कि यार ये bike ना थोड़ी छोटी सी है, मतलब मिले एकदम perfect है, छोटी bike है plus साथ ही साथ ये मुझे थोड़ी light feel देती है, क्योंकि Royal Enfield की bike जितनी दूसरी bike मैंने देखी है, जैसे मैंने Royal Enfield Classic 350 चलाई है, तो उसमें ना यार उसको देखकर मुझे ऐसी फील आती है भाई कितनी बड़ी सी बाइक है और कितना बल्की सी बाइक है, मतलब टैंक जैसी फीलिंग आती है उसको देख, क्योंकि मैं उसे हमेशा कंपेयर करता हूँ अपनी यामा MT-15 के साथ, तो MT-15 पतली छोटी ऐसा फील आता है उसको देखकर। वहीं पे अगर हम बात करें हंटर 350 के बारे में, तो इसको देखकर ऐसी फीलिंग बिल्कुल नहीं आती, इसको देखकर ऐसी फीलिंग आती है भाई ये स्मॉल कॉम्पैक्ट बॉडी इसकी, और इसके एग्रोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, बहुत इंट्यूटिव और बहुत मॉडर्न डिज़ाइन है इसका, एक तरह से अगर मैं अपने यू नो व्यूज़ अगर अपने ओपिनियंस आपके साथ शेयर करूँ तो मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। सेकेंडली कहीं ना कहीं इसके वेट जो है, क्योंकि वेट एक इसका एक बहुत बड़ी USP है जो मुझे लगता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो बॉडी है आपकी फाइबर की है, बट रॉयल इनफील्ड में जो दूसरी बाइक्स है उनकी बॉडी थोड़ी मेटेलिक बॉडी ज़्यादा है, बट इसमें जो है आपका फाइबर ज़्यादा यूज़ किया है, जैसे साइड्स में आगे पे और जो रियर साइड है वहाँ पे इसका फाइबर यूज़ किया गया है, तो कहीं ना कहीं इसने इम्पैक्ट करा है इस बाइक के वेट में। तीसरी चीज़ जो इस बाइक में है वो है इसका व्हील बेस जो है वो कम कर दिया गया है, जिससे आप इस बाइक को स्ट्रीट्स, रश एरियाज़ और जहाँ पे थोड़ा क्राउडेड प्लेसेस हैं, मार्केट, उन जगह पे भी आप इसे कंट्रोल कर सकते हो, आपको इसे हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट्स मुझे लगता है कि काफ़ी इम्पैक्टफुल पॉइंट्स हैं इस बाइक के बारे में बताने को। चलो अब इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं और साथ ही साथ इसके अदर स्पेक्स के बारे में भी बात करते हैं। तो यार ये जो बाइक है हंटर 350, जैसा कि आपने देख लिया होगा 350, तो ये 350 CC का इसमें इंजन लगा हुआ है, साथ ही साथ इसमें एयर कूल्ड इंजन है, ठीक है, और इसमें आपको आगे टेलीस्कोपिक ये सस्पेंशन मिल जाते हैं, इसमें ट्यूबलेस टायर्स अवेलेबल हैं आपके पास, फ्रंट वाला 110 बैक वाला 140 mm का आपको टायर मिल जाता है, इसमें डुअल चैनल ABS है और डिस्क ब्रेक आगे भी है, डिस्क ब्रेक पीछे भी है, तो डुअल चैनल ABS दोनों के साथ आता है,
इसमें लैंप्स की बात करें, लाइटनिंग की बात करें, तो इसमें हैलोजन इंडिकेटर आपको अगेन हैलोजन इंडिकेटर ही मिलते हैं, और जो लैंप है लैंप के साथ आपको एक पायलट लैंप भी मिल जाता है, और इसमें जो आपको स्पीडोमीटर मिलता है वो मिलता है डीजी एनालॉग स्पीडोमीटर, जो कि आपको फील देता है एक LCD स्क्रीन का भी और साथ ही साथ एक एनालॉग लुक भी देता है। और इसमें जो फ्यूल टैंक है इसका फ्यूल टैंक इज अराउंड 30 लीटर्स ऑफ फ्यूल टैंक, और जो इसका माइलेज जो कंपनी क्लेम करती है इट इज़ अराउंड 36 किलोमीटर पर लीटर, और इसके जो फुटपैग्स आपको मिलते हैं वो रबर के फुटपैग्स हैं, ठीक है, और इसमें आपको वेबरिंग मिल जाता है बैक में। सीट जो है इसकी ये एक सिंगल सीट है, और ये क्लासिक 350 रिबॉन जैसे नहीं है, क्योंकि इसमें अलग से आपकी राइडर की सीट होती है और पीछे पिलियन सीट अलग होती है, बट इसमें आपको एक सिंगल सीट मिल जाती है। राइडर के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आई थी, बट पिलियन राइडर के लिए मे बी देयर कुड बी सम प्रॉब्लम्स, क्योंकि है छोटे, ये छोटी है वैसे, ये सेम लाइक मुझे MT-15 की याद दिलाती है, तो इसकी पिलियन राइडर सीट ऐसी है। साथ ही साथ इसमें ट्विन शॉक एब्जॉर्बर मिल जाता है आपको, और पीछे भी जैसे मैंने आपको बता दिया होगा इसमें डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, और रियर लाइट इसमें LED रियर लाइट टेल लाइट मिल जाती है, बट अगेन आपके इंडिकेटर हैं वो हैलोजन इंडिकेटर हैं। हैजार्ड लैंप आपको इसमें मिल जाते हैं, और सबसे अच्छी बात यार मैं ये बताना भूल गया सॉरी, बट इसमें अच्छी बात एक और चीज़ है कि इसमें आपको USB चार्जिंग भी मिल जाती है। हाँ, और इसमें एक और चीज़ है, क्योंकि मेरे पास यार MT-15 है, तो इसलिए मैं इसका ये पॉइंट भी ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसमें सिंगल स्टैंड भी है और डबल स्टैंड भी है। और एक और चीज़ मैंने इसमें नोटिस करी, इसका फ्रंट एलॉय और जो रियर एलॉय है वो डिफरेंट है, डिज़ाइंस में इसके डिफरेंस है, तो ये भी मतलब डिटेलिंग का ही इसमें ध्यान दिया गया है। तो ये है एक ओवरऑल वर्क अराउंड अबाउट स्पेक्स एंड ऑल दोस। तो गाइस चलते हैं यार अपने वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में, क्योंकि यार जब इस बाइक का रिव्यू कर ही रहे हैं तो एक सीट हाइट रिव्यू भी कर लेते हैं इसका। तो यार क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना, ठीक है, कि हमारे लिए जो शॉर्ट हाइट राइडर्स हैं उनके लिए ये बाइक वैल्यू ऑफ मनी है भी या नहीं, ठीक है। तो जितने भी सारे एक्सपीरियंसेस हैं वो मेरे अकॉर्डिंग हैं, और जैसे कि आपको पता है कि मेरी हाइट 5'2" है, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊँगा, जो मैं फील कर रहा हूँ और जो इसकी हैंडलिंग हो पा रही है वो मेरे अकॉर्डिंग ही रहेगी। साथ ही साथ इसके ऊपर वाली हाइट के हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, वो आप आसानी से कर सकते हैं। जो इससे नीचे की हाइट के भी हैं उनके लिए भी मैं एक्सपीरियंसेस बताऊंगा कि क्या कैसे रह सकते हैं, ठीक है। तो इसकी हाइट का अब हम रिव्यू करते हैं। तो यार हाइट की बात चल रही है, तो इसकी सीट हाइट है 790 mm, जो कि काफ़ी अच्छी सीट हाइट है, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी जो यामा MT-15 है उसकी हाइट इससे ज़्यादा है, बट जो रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 है उसकी इसके नियरमोस्ट है, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने शॉर्ट राइडर सीट लगाई है उसमें। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। तो anyway, इस बाइक के बारे में बात करते हैं, तो यार मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ किस तरह से क्या रहता है, तो आप देख सकते हैं विजुअली क्या क्या चीज़ें रहेंगी। तो अगर आपको याद होगा जब मैंने क्लासिक 350 रिबॉन पे बनाया था, तो उस बाइक को मैं हिला भी नहीं पाता था, उसको मैं स्टैंड से भी नहीं हटा पाता था, क्योंकि उसका वेट बहुत हैवी है और वेट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आपकी हाइट छोटी है और आपको बाइक हैंडल करनी है। तो ये मैं इसको स्टैंड से हटाया और ये मैंने इसका स्टैंड लगा दिया। सो यार मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इस चीज़ में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, मैं इसे आसानी से इसकी नॉर्मल पोजीशन में ले आया और मैंने इसको सीधे खड़े भी कर दिया है, दोनों हाथ मैंने छोड़ दिए हैं और मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है, और मैं इसे थोड़ी बहुत क्लिक भी कर सकता हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगा। तो यार इसमें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है, क्योंकि इसका वेट कहीं ना कहीं कम है और मैं इसे आसानी से हैंडल कर पा रहा हूँ। ओके तो यार ये चीज़ तो पहला चीज़ हो गया कि इसका वेट आसानी से मैं उठा ले रहा हूँ, और जो मेरे फुट हैं फुट प्लेसमेंट हम देख लेते हैं क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ग्राउंड प्लेसमेंट। तो यार दोनों फुट जो हैं वो मेरे ज़मीन पे आ जा रहे हैं आराम से,
आई थिंक उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों फोर्स जो हैं वो प्लेस हो जा रहे हैं। मैं आपको क्लोज़अप शॉट्स भी दूंगा थोड़ी देर पे, बट यार इतना यू नो डिफरेंस नहीं आ रहा है। अगर आपका एक भी पावर नहीं पहुंचता तो फिर थोड़ा अलग सा लगता है, बट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग यार ये बहुत सही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा जिन लोगों की भी हाइट 5 फुट 2 इंचेस या 5 फुट 5 फुट भी है, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो कर सकते हैं, वो चला सकते हैं, ऐसी कोई उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट जो जिनकी हाइट 5 फुट 2 इंचेस से ज़्यादा है, उनके लिए तो भाई कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और इस बाइक का एग्रोनॉमिक्स भी इतना अच्छा है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी मैटर करती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने दूसरी वीडियो में भी समझा रखी है, तो जाके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और एक और चीज़ यार, इस बाइक को मैंने कहा था कि इसमें स्पोर्टी फील है, वो इसलिए क्योंकि ये देखो यार, ये इसका जो फुटपैक है वो थोड़ा पीछे दिया गया है। तो भाई ये फर्स्ट चीज़ हो चुकी है, तो अब मैं इस बाइक को लगा लेता हूँ स्टैंड पे। कूल यार, पहली चीज़ तो हो गई, अब दूसरी चीज़ करते हैं। दूसरी चीज़, हैंडलिंग किस तरह से हो पा रही है इस बाइक की, क्योंकि पहला चीज़ तो चलो हमारे दोनों पाँव पहुँच जा रहे हैं वो जब हम बाइक में बैठे हैं, लेकिन जब हम बाइक से उतर गए हैं या हमें कहीं मोड़ना है बीच रोड में, या हमें इसे पुल करना है, हमें इसे पुश करना है, तो उस टाइम पे हम इसे क्या हैंडल कर पाएंगे या नहीं, अब वो चेक करते हैं। तो मैं इसे स्टैंड से हटा देता हूँ। तो इस बाइक को हैंडल करने में मुझे कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही है, या मैं इसे पुश कर पा रहा हूँ, तो देखते हैं। हाँ यार, पुश पुश तो हो जा रही है ये आराम से, और मैं इसे हैंडल कर पा रहा। तो यार ज़्यादा ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आ रही, ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही इस बाइक को हैंडल करने में। और जैसा कि आपने देखा कि मैं इसे यहाँ से लेके थोड़ा आगे पुश करा, और फिर उसके बाद मैं पुल पुल भी किया इस बाइक को, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही मुझे उतनी ज़्यादा। तो अगर मैं फिर से करना चाहूँ, तो पुश करने में और इसे मूव अराउंड करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है उतनी ज़्यादा, जितने मुझे रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 में आती थी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यामाहा को ही हैंडल कर रहा हूँ, उससे थोड़ी सी हैवी है बट ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जब कभी भी आप मूव करते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, स्टैंड लगाए रहना है, अपने साइड में बॉडी बाइक का वेट होना चाहिए अपने साइड में, और ग्रैब रेल पकड़ के आप इसे मूव कर सकते हो। और इसमें एक अच्छी बात है कि आप एक हाथ से, मैं इसे मूव कर पा रहा हूँ इसका हैंडल। अगर आपको याद होगा रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350, भाई उसका एक हाथ से मुड़ता ही नहीं है ये हैंडल। तो यार कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो बहुत इम्पैक्ट करती हैं। और मूव करने के लिए, अगर जैसे मुझे इस बाइक को पूरा उस साइड को करना है, तो आपको पता ही है सिंगल स्टैंड पे होनी चाहिए बाइक, और ग्रैब रेल पकड़ के जो आपको पीछे दिया गया है सीट में, तो आप इसे घुमा सकते हैं। तो आप इस तरह से इसे घुमा सकते हैं अपनी बाइक को जिस साइड भी मोड़ना चाहें, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। थोड़ा क्लोज़अप शॉट्स देता हूँ अब आपको, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ पाए। और मैं आपको साइड से व्यू दिखाना चाहता हूँ किस तरह से रहता है, ठीक है। तो यार जैसा आप देख सकते हैं, तो मुझे बाइक को उठाने में कोई दिक्कत नहीं आई, और ये है मेरा फुट प्लेसमेंट। तो आई होप आपको दोनों फुट दिख रहे होंगे। तो बाइक मेरे सिर्फ पाँव पे खड़ी हुई है और मुझे इतनी दिक्कत नहीं आ रही है। तो यार मैं पर्टिकुलरली यही कहना चाहूँगा कि शॉर्ट हाइट राइडर्स के लिए तो यार मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आप लेना चाहें तो, क्योंकि इतने सारे एडवांटेजेस, इतने सारे बेनिफिट्स के साथ, और इतने सारे आपको इसमें चीज़ें मिल रही हैं, तो एक ये बहुत ही अच्छा बाइंग ऑप्शन है मेरे अकॉर्डिंग फॉर शॉर्ट हाइट राइडर्स। आपको परफॉर्मेंस भी मिल रहा है और चीज़ें भी मिल रही हैं। सो गाइज, रैप अप करते हैं अपनी वीडियो यहीं पे। तो हमने देखा कि हमने इस बाइक की सारी यूएसपीज देखी, क्या क्या इसमें चीज़ें दी गई हैं, क्या क्या नहीं दी गई हैं, बेनिफिट्स क्या क्या। मुझे तो लगा कि अगर आप मेरा ओपिनियन पूछेंगे, मुझे तो ये लग रहा है कि भाई सब चीज़ अच्छा ही है एज अ शॉर्ट हाइट राइडर।
हमें से ज़्यादा और क्या चाहिए, हमारे पाँव आराम से पहुँच रहे हैं, सिटिंग कंफर्ट ज़्यादा अच्छा है, फैसिलिटी मतलब यूएसबी चार्जिंग भी है भाई इसमें, और आपको डुअल चैनल एबीएस भी मिल जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यार मतलब बहुत अच्छा एक बाइंग ऑप्शन है। और शायद मुझे अभी आंसर मिल चुका है कि क्यों इस बाइक को बाइक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। और अगर आपको पता है कि 2022 की कौन सी बाइक है जिसे बाइक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, तो कमेंट सेक्शन में आप लिखना, और उसमें ये भी शेयर करना कि आपको कौन सी बाइक लगती है कि होनी चाहिए थी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी एक्सपेक्ट करते होंगे कि यार इस बाइक को तो होना चाहिए था बट नहीं थी, तो वो भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके एक्सपीरियंस और कमेंट जान के बहुत अच्छा लगेगा। एनीवेज, और आपको अगर वीडियो पसंद आई और ये रिव्यू आपको पसंद आया तो यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। साथ ही साथ अगर आपने MT15 और रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 का हाइट रिव्यू और उनके बारे में जानना है तो आप वीडियोस चेक कर सकते हैं, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यार मिलते हैं अब अगली वीडियोज़ पर, इसी तरह से शो योर लव एंड चलते हैं, बाय, थैंक यू।